यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ GTA 5। तो गाइस मैं आपको बता दूं यार, पिछले एपिसोड में क्या क्या हुआ था। तो आपको पता है जब फ्रैंकलिन को उस बुड्ढे ने कार चुराने के लिए भेजा था माइकल के घर पे, तो जो हमने कार चुराई थी उसके पीछे माइकल ऑलरेडी बैठा हुआ था और इसी कारण इन दोनों की जो है बातचीत हुई और यहाँ पर अब दोनों दोस्त बन गए। तो अभी हमें फिलहाल माइकल, तो अभी हम माइकल के घर पे और यहाँ पर इसका घर यार बहुत जबरदस्त है। मैं आपको एक बार इसका घर पूरा ना दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये इसका ड्राइंग रूम जहाँ पर इसने एक प्रोजेक्टर लगा रखा है, काफ़ी तगड़ा है। और ये है इसका मतलब कि डिनर टेबल, और ये है इसका किचन, और ऊपर वाला मैं आपको फ्लोर एक बार चेकआउट करा देता हूँ। बड़ा काफ़ी अच्छा घर है इसका, जैसे कि हमें उसका भी अच्छा लग रहा था फ्रैंकलिन का, बट उसका एक छोटा था। इसका तो एक कोठी है बहुत बड़ी। तो ये इसकी बेटी का रूम है, मैं एक सेकेंड अंदर से भी दिखा देता हूँ कैसा रूम है इसकी बेटी का। तो ये इसकी बेटी का रूम है अंदर से, जहाँ पर शीशा है और एक ड्रॉअर है जिस पर लैपटॉप रखा हुआ है। और इसके बेटे का रूम तो आपने शायद पिछले में देख ही लिया होगा। तो ये इसके बेटे का रूम है, काफ़ी तगड़ा रूम है। आप देख लो, LED स्क्रीन है नीचे, स्पीकर से सामने कंप्यूटर है, और इधर देखो कितने तगड़े तगड़े स्पीकर्स लगे हुए हैं। और पूरे रूम में पोस्टर ही पोस्टर, मतलब कि जैसे गेमर्स का रूम होता है ना, तो बहुत तगड़ा है। और ये है माइकल और माइकल की वाइफ का रूम, और ये है इनका कपड़े चेंज करने का एरिया। तो यहाँ से हम अपने कपड़े भी चेंज कर लेते हैं, काफ़ी अजीब से कपड़े हमने पहने हुए हैं। तो कपड़े में हम आउटफिट्स में देख लेते हैं कौन कौन सी है। जीन्स वाली है, एक नॉर्मल है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी आउटफिट अच्छी है, बट हम ये वाली पहनेंगे, थोड़ी GTA 4 वाली लुक है इसमें, तो हम ये वाली आउटफिट पहन लेते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं बाहर, थोड़े बहुत मिशंस वगैरह करते हैं। घर तो आपने देख लिया हो कितना जबरदस्त है यार माइकल का हाउस। अब यहाँ पर ये इतना ही नहीं है, घर के बाहर का भी मैं आपको दिखाता हूँ। घर के बाहर भी है, बहुत तगड़ा अच्छा घर है यार इसका। ये देखो, ये घर के बाहर इसके पास एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, और यहाँ पर इसने अपने गार्ड ने रखा हुआ, और नीचे इसका टेनिस कोर्ट है अपना पर्सनल। भाई साहब, मतलब क्या अलग ही जिंदगी है माइकल के पास। देख लो, पैसा भले ही नहीं हो, पैसा अभी इसके पास दिखाऊँ टोटल, मतलब कि टोटल देखना इसके पास कितना पैसा है। देखो टोटल इसके पास अभी $390 है बस, और घर देखो कितना तगड़ा है। और माइक ओ और फ्रैंकलिन के पास है $3 लाख से भी ज़्यादा डॉलर्स उस पर अभी पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो माइकल का पीछे मिशन है, इस वाले को कंप्लीट करते हैं, देखते हैं इस मिशन में क्या है। मेरे को तो लग रहा है कुछ जबरदस्ती होने वाला है। फ्रैंकलिन के जितने भी होते हैं फाइट वाले होते हैं, और माइकल के जितने भी होते हैं वो एक फैमिली स्टोरी से रिलेटेड होते हैं, फैमिली फाइट से रिलेटेड। तो यहाँ पर थोड़ा शाम सा हो गया है दिन। ओके, तो माइकल आराम से बैठ के खा रहा है अपना प्रोजेक्टर पे, कोई मूवी वूवी देख रहा है शायद, चिप्स खा रहा है फुल, मतलब कि एकदम मज़े में है भाई। ओके, तो ऊपर जिमी गेम खेल रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ और शोर मचा रहा है। ओके, उसने आवाज़ बढ़ा ली क्या, इसका दिमाग खराब हो रहा है उसके साउंड से। ओहो, चढ़ी इसे खुंदक भाई, बंद कर दिया इसने PC, वो मतलब वो अपना प्रोजेक्टर, जो TV था प्रोजेक्टर है, मेरे को प्रोजेक्टर टाइप लग रहा है। ओ भाई आ गया, लग रहा है मारेगा इसे। ओ भाई, वो कौन सी गेम खेल रहा है, 1000 किल कर रखा है भाई उसने, पता नहीं कौन सी गेम खेल रहा है, ज़ॉम्बी वाली कोई गेम मेरे को लग रही है, कुछ दिख ही नहीं रहा है गेम में। ओए ओ भाई, ओ भाई कुर्सी पकड़ी और सीधा तैड़। भाई इतना बड़ा टीवी था उसका, कितनी बड़ी स्क्रीन थी भाई। ओके, अच्छा यार, उसके कहने का मतलब है कि पूरे दिन घर में बैठ के गेम ही खेलते रहता है, कभी बाहर भी निकल जाए अगर तो यार, ये तो सही बात है। गेम खेलने से भी कुछ नहीं होता, हमें एक्सरसाइज वगैरह भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन TV नहीं तोड़ना चाहिए था, वो भी सही है अपनी जगह, कान पे दे देता एक बार को, लेकिन TV तोड़ दिया भाई, इतना महंगा TV, जेब में इसके अभी $390 है बस, और TV तोड़ रहा है इतने महंगे महंगे। ओके, चलो वॉक्स के लिए चलना है भाई। माइकल थोड़ा यार साइको टाइप का है भाई, बहुत ज्यादा ही। चलो अभी चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर जाना है हमें, बाइक रेंटल स्टैंड जाना है हमें। तो ये रही अपनी कार, तो ये वाली कार भी बढ़िया अपने पास यार, माइकल की तो यही कार है, और बाकी ये वो वाली जो कार है वो इसका बेटा बेटी या फिर इसकी वाइफ चलाती है। तो चलो अभी इसको लेकर चलते हैं जिमी को। पहले हमें जाना कहाँ पर है, बीच पर जाना है शायद साइकिल चलाने के लिए, एक मिनट। हाँ, तो हमें वॉकिंग वॉकिंग के लिए यहाँ पर जाना है, बीच पे ही जाना है। चलो ठीक है, अब फटाफट इसे लेकर चलते हैं वहाँ पे पहले। तो चलो गाइस, अभी हम फाइनली जिमी को लेकर पहुंच चुके हैं बीच के पास, और यहाँ पर भाई पूरे रास्ते ये अपने फादर से भाई इतना जबरदस्त लड़ता हुआ है ना माइकल को, एक बार ये उसकी बेइज्जती मार रहा है, एक बार ही वो उसकी बेइज्जती मार रहा है, दोनों एक दूसरे की किलसा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर अभी। अब यहाँ पर हमें अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं और देखते हैं भाई यहाँ पर क्या सीन है।
ओके, तो साइकिल सामने खड़ी हुई है। ओ भाई मेरे को बढ़िया वाली साइकिल चाहिए, रुक जा मैं आ रहा हूँ। ये तो मोटा कुछ भी चला लेगा भाई, जल्दी आता हूँ भाग कर। कौन कौन सी साइकिल है इधर भाई? पांच छह साइकिल खड़ी है। ओ सबसे लास्ट वाली ज़्यादा अच्छी है, इसके हैंडल्स थोड़े अलग वाले हैं बट अच्छी बाइक है ये भी। यहाँ पर आ जा भाई। अब यहाँ पर हमें कहाँ जाना है? ओके ठीक है, थोड़ी देर हमें साइकिलिंग करनी है, बढ़िया है। तो भाई जिमी जो है काफ़ी पीछे रह गया, तो मैं यहाँ पर उसका थोड़ा बहुत वेट कर रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं भाई, कितनी पीछे रह गया था, देख रहे हो साइकिल कितनी धीरे चला रहा है। मैं कब कब पहुँच गया हूँ, और मेरी इससे ज़्यादा एज है जबकि। तो चलो अभी फटाफट भगाते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पर हम बीच पर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्या सीन है यहाँ पर, अब पता नहीं क्या सीन होने वाला है। शायद से अभी हम और एक्सरसाइज करेंगे। ओके तो थोड़ी आराम से चलाता हूँ, क्योंकि इसकी हार्ट बीट का साउंड मेरे को बाहर तक आ रहा है भाई। कहाँ चला गया जिमी? आजा भाई आजा। तो okay गाइस, हम फाइनली पहुंच चुके हैं जो हमारी लोकेशन थी। अब यहाँ पर जिमी भाई साहब एकदम हाफ रहा है भाई साहब, गिरेगा ये तो गिरेगा। ओ भाई कड़ा भी नहीं हो पा रहा, पसीने छूट गए बेचारे के। I'm giving it my best shot. Come on, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your? अभी भी ये पूरा का पूरा चिड़ा पड़ा है इससे भाई माइकल से। Why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Dad, no. Okay, तो भाई जो इसका खुद का भाई है ट्रेसी, मतलब कि इसकी जो बेटी है, उसके बारे में उल्टा उल्टा इसने बोला। अब देखते हैं चल के वो सच है कि नहीं। तो देखते हैं भाई वहाँ पर क्या सीन है। वो कह रहा है वो याच पे पार्टी कर रही है कुछ लड़कों के साथ। अभी चल कर देखते हैं वहाँ पर क्या सीन है। तो भाई ये अब पता नहीं, या तो झूठ बोल के उसके खिलाफ हमें भड़का रहा है, या फिर वो सच भी हो सकता है। तो चलकर देखते हैं वहाँ पर, याच सामने ही खड़ी है। तो ओके गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं याच के पास, और म्यूजिक का साउंड मेरे को अभी से ही आ रहा था, यानी पार्टी तो चल रही है। अब मेरे को लग रहा है भाई ट्रेसी पिटने वाली है शायद माइकल से, और माइकल यहाँ पर थक चुका है, हेल्थ भी बहुत कम है। तो पहले ना मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत ना रेस्ट करता हूँ, ताकि मेरी हेल्थ बढ़ जाए, क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता ऊपर कुछ सही सीन होगा, शायद लड़ाई वड़ाई तो करनी पड़ेगी। ओके तो यहाँ पर जैसा कि उसने कहा था वही हो रहा है। तो यहाँ पर ये लड़कों के साथ ऐसे ही मार रही है जैसा कि उसने कहा था। ओ भाई स्पीकर ही फेंक दिया इसने। Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey, no. Hey, hey, cool, man. What are you doing? Okay, तो यहाँ पर लड़ाई हो चुकी है इनके बीच। ओ भाई, माइकल ने एक बंदे को सीधा पानी के अंदर फेंक दिया। भाई साहब। Dad, you dumbass. These guys are serious. Yeah, well, so am I. Caused the scene of my fucking boat. Okay, तो भाई मेरे को लग रहा है आप गलत पंगा होगा, और वो बंदा भी बहुत तगड़ा बॉडी बिल्डर है भाई। ओ भाई भगना पड़ेगा यहाँ पर, खतरनाक ही बंदे हैं। तो वो देखो भाई क्या बॉडी बिल्डर बंदा है वो। ओके तो ये तो पीछे पड़ गए, तो मेरे को भागना पड़ेगा। कहाँ पर भगाऊँ? लेकिन यार पूरा तो पानी पानी है, और मैं जमीन पर जाऊँगा तो ये लोग भी आ जाएंगे उतर के, और इनके पास गन्स भी हैं। अबे गन्स तो मेरे पास भी है, इसकी भैंस की टांग तेरी। चल साले अभी बताता हूँ इनको भाई, मैं वही सोचूं भाई, गन तो मेरे पे भी। आ जा बेटा आ जा आ जा आ जा आ जा, इनको पहले मारूंगा, ज्यादा उछल रहे हैं यहाँ, बदमाश बनेंगे। बेटा पीछे निकल ले साथ। तो चल बेटा निकल। तो यहाँ पर इन दोनों को तो हमने आराम से लपेट दिया। अभी हम चलते हैं आराम से कॉर्नर पे। भाई साहब दोनों इतने बड़े बदमाश बन रहे थे वो अपने आप को, फिर मेरे को याद आया भैया गन तो हम पे भी है, मैं भागूंगी भागूंगी इसलिए जब गन मेरे पास भी है। अब यहाँ पर हम एक कॉर्नर पे लगाते हैं, और ये क्या कर रहा है? पानी में पी रहा था क्या? पानी मुंह अंदर डाल के डुबकी ले रहा था। ओके ओ भाई the beach with my skin. So what, you send him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. Okay, तो इसका बेटा कह रहा है कि इसने मेरा दिन खराब करा, तो मैं सोच रहा था कि तेरा भी दिन खराब करवा दूं। तो लो भाई, इसने यानी झूठ बोला था। You ruined my life. Okay, तो उसने बेचारे ने इसके दो दोस्त मार दिए भाई उसके लिए, एक झूठ की वजह से इसके दो दोस्त मारे गए ट्रेसी के। वाह भाई क्या भाई साहब, वो भी बेचारा परेशान हो गया, क्या ही कर दिया मैंने यार। तो यहाँ पर माइकल अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया, वो भी कह रहा है यार क्या करूँ, मतलब कि वो भी कंफ्यूज हो गया यार, एक झूठ की वजह से उसने उसके दो फ्रेंड्स को मार दिया, पूरा जिंदा मार दिया। भाई साहब क्या ही हो रहा है। चलो कोई नहीं, फिलहाल जो हो गया हो गया।
अब चलते हैं हम फ्रैंकलिन के पास, इसको घूमने देते हैं अपना। फ्रैंकलिन कहाँ पर है अपना? ये रहा फ्रैंकलिन। तो भाई पिछली बार बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि वो जो लेडी थी फ्रैंकलिन के घर में, वो फ्रैंकलिन की वाइफ नहीं है, फ्रैंकलिन की वो चाची है, यानी उसकी आंटी है। तो अब मेरे को पता लग गया भाई, उस टाइम मुझे पता नहीं था, बट कोई नहीं, अब समझ गए हैं। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं फ्रैंकलिन के घर पे, क्योंकि फ्रैंकलिन का भी एक मिशन है जो कि यार मेरे सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे मिशन तो सारे इंपॉर्टेंट है, बट चलते हैं। अभी माइकल का एक मिशन हो चुका है, फ्रैंकलिन का एक मिशन करेंगे, फिर माइकल का एक मिशन करेंगे, ऐसे सारे सारे मिशन कंप्लीट करते जाएंगे। फिलहाल माइकल का फ्रैंकलिन का घर जो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पास है, तो हम पहुँच गए। तो ये आ गया हमारा फ्रैंकलिन का घर, कहाँ गया ये रहा। तो यहाँ पर अपनी गाड़ी को हम पार्क कर देते हैं, और मेरी एक अंदर ऑरेंज वाली कार खड़ी हुई है, बिल्कुल एकदम ऐसी ही है, पोर्शे जैसी। तो अभी चलो, ये वाला मिशन स्टार्ट हो चुका है, और देखते हैं इस मिशन के अंदर क्या है ऐसा। तो अपना माइकल अपने घर के अंदर जा चुका है, और यहाँ पर रात हो गई क्या? ओके ओके, शाम का टाइम हो चुका है, 7 बजे वाला। और ये शोर कहाँ से आ रहा है? ओके, तो इसकी चाची पार्टी कर रही है। ओ भाई शांत हो गए। खैर ये इधर क्या कर रहा है तू? तो वो कह रहा भैया मैं इधर रहता हूँ, कर क्या रहा हूँ, इसका घर है ये। ओके, तो ये लोग पार्टी कर रहे हैं, लगता है इसकी जो चाची है उसको योगा वगैरह में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और यहाँ पर ना इसके घर में गणेश जी की फोटो, ओम का लोगो, ये सब बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर ये दो लोग पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, किसी के दोस्त वोस्त लग रहे हैं, जिगरी यार लग रहे एकदम। उससे हाथ ही नहीं मिला। करना क्या भाई ये बताओ। ओके, कहीं चलना है, चलते हैं, डायरेक्ट चलते हैं। तो ये रही इनकी कार, चलो बैठो, अभी हमें कहीं पर चलना है। और ये मेरे को कंफर्म ना फाइटिंग वाला मिशन लग रहा है, गो टू एम्यूनेशन। चलो यार एम्यूनेशन में चलना है, कंफर्म शूटिंग वाला मिशन है भाई, बहुत जबरदस्त। चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। ओके, तो गाइस अभी हम फाइनली पहुंचने वाले हैं, बहुत पास है यहां से, इनके घर से एम्यूनेशन की दुकान बहुत ज्यादा पास है। तो ये रही LSGC वाली दुकान ही एम्यूनेशन की शॉप है। अभी चलते हैं शॉप के अंदर, अपनी गाड़ी को यहाँ पर एक बार पार्क कर दूँ मैं पहले। तो एक गाड़ी मैंने पार्क कर दी, अब एम्यूनेशन की शॉप के अंदर चलते हैं। आ जाओ भाई, तुम दोनों भी आ जाओ, मेरे को बता देना क्या खरीदना है, आ जाओ। तो ये एम्यूनेशन की शॉप, अब देखते हैं शॉप के अंदर हमें। ओ भाई सब सारे वेपन है यहाँ पर, तो ओ नाइस। तो चलो इससे हम बाय करते हैं। यहाँ पर पिस्टल भी है इसके पास, पिस्टल 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 पे, और कुछ भी है। ये कौन सी गन है? SMG है, शॉर्ट गन है। तो अभी हमें क्या बाय करना चाहिए? AK-47 भी है। एक काम करता हूँ, शॉर्ट गन बाय कर लेता हूँ, शॉर्ट गन क्योंकि क्लोज रेंज में बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, तो हम एक शॉर्ट गन परचेज करेंगे। तो ओके गाइस, अभी हमने जो है शॉर्ट गन और शॉर्ट गन की कुछ अटैचमेंट्स और उसकी एमओ यहाँ से बाय कर ली है। अब यहाँ पर फटाफट चलते हैं जहाँ पर ये लोग चलने के लिए बोल रहे हैं, देखते हैं भाई पता नहीं कहाँ पर जाना है। तो आ जाओ भाई लोंडो, गाड़ी में बैठो। यार मैं अपनी गाड़ी मंगा लेता हूँ, इनकी गाड़ी से ना हम कल तक पहुँचेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है भाई। इतनी कमज़ोर सी गाड़ी लाए हैं ये लोग, मैं सच्ची बता रहा हूँ। तो ये वाली 4-सीटर है, तो ये तो 2-सीटर कार है यार, लाओ ये वाली दे दो मेरे को, 4-सीटर है ना, ये तो 7-सीटर है, बढ़िया रहेगी। इनकी गाड़ी भाई बहुत कचड़ा है भाई, ओल्ड टाइप के, GTA San Andreas में चलती थी वैसी कार्स। तो भाई अभी हमें जाना है रिसाइकलिंग प्लांट में, शायद वहाँ पर ना किसी पुराने दोस्त से मिलना है, या फिर पता नहीं कुछ ऐसा ही काम है। अभी देखते हैं वहाँ पर चल के क्या सीन होता है भाई, मेरे को तो लग रहा है कुछ खतरनाक ही सीन होने वाला है। तो बिल्कुल सीधा ही रोड है, बहुत पास में ही हम पहुंचने वाले लगभग। तो यहाँ से हमें कट लेना, आगे से लेफ्ट ले लेनी है, ठीक है, यहाँ से ले ली आराम से हमने लेफ्ट। ओके, तो यार मेरी कार मंगा लेते, कार बड़ी कमजोर है। ये आ गए, हम पहुंच गए। ओके, तो ये है रिसाइकलिंग प्लांट, देखते हैं यहाँ पर क्या सीन है। तो हम पहुंच चुके हैं, ऊपर चल के देखते हैं क्या सीन है। ओके, ऊपर ही जाना है ना, और ठीक है हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ओके, तो किसी को देख के खुश हो रहे हैं पता नहीं क्यों, कोई बंदा है शायद। ओके भाई, ये बंदा कैसा सा है यार, बदमाश सा लग रहा है अभी, इन्हीं की तरह। ये क्यों परेशान हो रहा है? Nigga just got out crossing lines, did some time with some of your folks. Hey, look, 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 this ain't about you, man. What? You know these niggas dumb. Yo, what the fuck this trick talking about, man? ये हुआ क्या है? ओ भाई नीचे बदमाश बुला लिया उसने, ये क्या कर रहा? ओ भाई इस बंदे ने हमें मारने के लिए बदमाश बुला, तेरी भैंस की, हेडशॉट ही हेडशॉट मारे उसके, दो डेजर्ट ईगल के, नाइस। अब यहाँ से हमें निकलना है, बंदे आ रहे। ओए कर्ल जॉनसन कहाँ से आ गया? GTA San Andreas वाला। अबे निशाना तो लगा ले भाई, कैसे छुप के मार रहा है?
मेरे को भाई तरीके से मारना पड़ेगा वरना मैं मर गया तो हम खत्म है, इनके बस की कुछ ना है। चलो 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 यहीं से, अच्छा ये वाला तो गेट बंद है, नाइस, जहाँ से आया था हमें वहीं से जाना पड़ेगा। इसको कवर देना पड़ेगा, कवर मांग रहा है पता नहीं किस बात का। ओ ओ भाई भाई AKM, अरे नाइस यार मेरे को मार दिया उसने। अच्छा लैमार को मार दिया यार उस वाले ने, पीछे वाले ने लैमार को मार दिया। अबे हमें, हम तीनों में से किसी को भी मरे ना तो मिशन फेल हो जाएगा, हम तीनों में से किसी को भी नहीं मरना है। चलो दोबारा ट्राई करते हैं, आ जाओ बेटा आ जाओ, अब नहीं छोड़ूंगा, अबे मैं खुद ही मर जाऊंगा इतना जोश में आया तो। अब आओ बेटा, शॉटगन काफी सही है, मैंने एकदम सही गन बाय करी है भाई, एक एक शॉट मारना पड़ रहा है। रीलोड कर लेता हूँ मैं। ओके तो यहाँ पर और भी बंदे आएंगे शायद, अभी से ढंग से कवर देना है, पहले पीछे वाले को मारना है। अरे बच गया हो, चल साले, चल तेरी एक और मारूंगा इसको। चल चल चल, कहाँ जाना है? ओ भाई नेट डाल रहा है क्या वो? नहीं नहीं नहीं, पिस्टल ही है, मेरे को लगा नेट डाल रहा है। ये भी गया पीछे वाला, पीछे वाले के मेन पॉइंट पे दे दी। वो ये उठ कैसे गया दोबारा? चल बेटा एक और आया पीछे, चलो नीचे, इसका हेड दिख रहा है बेचारे का, उठते ही मारा भाई। चलो चलो अभी भाई और बदमाश है क्या? मेरे पे और गन आ गई होगी ना शायद, नहीं इनकी गन्स भी तो उठा सकता हूँ मैं, ये लोग पिस्टल वगैरह ही लेकर आ रहे हैं शायद। ओके चल, यहाँ पर क्या कर रहा, खड़े हो गए, और कोई है क्या? गेट खोल दूँ? खोल देता हूँ, रिस्क ले लेते हैं भाई। भाई यहाँ इतना शांति क्यों आ गया? चुप 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 चुप, चलो तो ओके गाइस, अभी हमने दोबारा से रीट्राई करा है और यहाँ पर भाई इस बार नहीं छोड़ूंगा इन्हें, मैं शॉटगन और AK दोनों चलाऊंगा, पिछली बार मैंने AK नहीं चलाई थी। और भाई ये ना बहुत ज्यादा बंदे आ गए हैं तो मैं थोड़ा ध्यान से फाइट लेनी पड़ेगी, मेरी HP वैसे भी बहुत कम है, मैं इस तरीके से भी मार सकता हूँ। वाओ ये बढ़िया है भाई, अपना HP भी नहीं जाएगी, आराम से मारो। तो ओके भाई अभी हमारे पीछे ना पुलिस भी आ चुकी है 3-स्टार की, और ये लोग गेट पर ऐसे निशाना लगाकर बैठे हुए हैं, मेरे को तो लग रहा है कुछ खतरनाक ही होने वाला है, और हम एक फायर एस्केप से बाहर हो रहे हैं, तो भाई मेरे को गेट खोलने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बट हम ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। मैं अंदर आ जाता हूँ वापस, करना क्या भाई, पुलिस के भाई हेलीकॉप्टर आ रखे हैं भाई, तुम दोनों आगे जाओ। चलो चलो अबे हेलीकॉप्टर वाले, रुक जा AK निकालूँ इसकी भैंस की, टांगे ज़्यादा उछलेगा, आज साले का हेलीकॉप्टर ही गिरा दूँगा, आज हेलीकॉप्टर के पायलट को ही मार दूंगा ना मैं। गया इनका हेलीकॉप्टर, गया बढ़िया। ओ भाई हेलीकॉप्टर ही फोड़ दिया मैंने, तो ये लोग इधर से भाग रहे हैं, मैं भी इनके पीछे पीछे निकल लेता हूँ। हाथ में वैसे एक गन होना जरूरी है भाई, उसने निशाना तान रखा है भाई। अबे चलो ऊपर भागो फटाफट भाई, AK निकाल लेता हूँ मैं, रीलोड भी कर लेते भाई। अभी गिर कैसे गया, गिर कैसे गए? और ये भाई हम किस रास्ते से जा रहे हैं? एक हेलीकॉप्टर हो रहा है, मारूँ इसको? बताओ इसको मारते हैं, चलो इसके पायलट के मैंने बचाने की कोशिश तो करी लेकिन मरा नहीं, फिलहाल अभी मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगा, निकल लेता फटाफट। अबे चढ़ जा मोटे भाई, चढ़ ही नहीं पा रहा है वो। एक गाड़ी भी चाहिए रहेगी हमें, गाड़ी 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 गाड़ी, एक पीछे खड़े, पीछे वाली में आओ, पीछे वाली में आओ, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, फक साले मोटे यहाँ से गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है यहाँ पर खड़े हो गए, जल्दी जल्दी बैठो, जल्दी बैठो भाई, पुलिस आ रखी है पूरी की पूरी। अबे भाई मारो 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 सालो, ओ भाई उतरना पड़ेगा मेरे को भी। अबे गाड़ी में नहीं आ रहे यार ये लोग, कैसे कैसे बदमाश हैं, क्या गुंडे बनोगे वे? अरे यार मर गए भाई, फिर से कौन मरा इस बारी? स्ट्रेच मर गया भाई, चलती गाड़ी में आके ठुक गया पुलिस वालों की, क्या वे अंधों की तरह भाग रहा है। अबे ये किसको मार दिया? आ जाओ आ जाओ बैठो, फटाफट बैठना भाई, इस बार कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, जल्दी बैठ खोल। अब यहाँ से भगाते हैं, पुलिस ने हमें भाई पूरी चारों तरफ से घेर लिया है, तो हमें पहले ना इनसे पीछा छुड़ाना है, फिर अभी पता नहीं कहाँ पर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर अरे यार कितनी अच्छी गाड़ी मिली है हमें, नहीं नहीं कितनी अच्छी गाड़ी मिली है भाई, ऐसे फिसल रही है ना गाड़ी, इसकी कंट्रोलिंग बहुत अजीब है। चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल मैं ट्राई करता हूँ। तो भाई अभी हमारे पीछे दो पुलिस वाले एकदम पीछे हैं, बस मैं ये चाहता हूँ कि वो हमें ढूंढ ना पाए, हमारे एकदम रोड पर आने वाले हैं,
बट अभी वो भी थोड़ा बहुत ना कंफ्यूज हो गए हैं, तो शायद अभी वो लोग हमें छोड़ देंगे, मतलब कि पीछा करना हमारा छोड़ देंगे, क्योंकि वो लोग भी एक जगह रुक चुके हैं और हमारे कोई बुलेट मार रहा है। अब कौन मार रहा है भाई? पुलिस वाला आ गया क्या पीछे? मार कौन रहा साला? अबे ये पागल, ये मार रहा है पुलिस वालों को। अबे पागल है क्या भाई ये पूरा? ओ भाई ये मार रहा है पुलिस वालों को। यार क्या सनकी बंदा है भाई साहब। मैं सोच रहा हूँ पीछा छूटेगा, साले ने गोली मार मार के बुला लिया उन्हें। मैं वही कहूँ यार, पुलिस वाला गोली क्यों मार रहा है हमें? हम तो दिख ही नहीं रहते, ये उन्हें मार रहा है भाई साहब। क्या ही नशे कर कर बैठा हुआ है। हटा भाई गाड़ी, अभी हो गई है गड़बड़। अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। ओहो हो, बेसमेंट 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 जा रहा है नीचे। इस बेसमेंट में चलते हैं अपनी गाड़ी को लेकर। शायद यहाँ पर पुलिस वालों का तो कोई भी नहीं आता पता रहेगा। चलो बेसमेंट में भगा लेता हूँ अपनी गाड़ी फटाफट। ऊपर ट्रेन भी जा रही है, नीचे जो ट्रैम की बेसमेंट होती है, और पीछे अपने एक गाड़ी आ रही है भाई। इनको तो चलो मार दूंगा मैं। ट्रेन जा रही है राइट में, मैं निकल लेता हूँ लेफ्ट वाली बेसमेंट में। अब ढूंढो भाई, अब ढूंढो, अब ढूंढो भाई। ज़्यादा हो रहा था भाई इनका। अबे ट्रैम कहाँ से आ गई? ओ भाई ये लग रहा पुलिस हमें छोड़ेगी नहीं भाई। पीछे ट्रैम, आगे पुलिस, क्या करें? छोड़ दो भाई, इतना भी बड़ा क्या कांड करते हैं। चलो गाइस, पुलिस ने हमें छोड़ दिया, पुलिस ने हमें छोड़ दिया। सारे स्टार्स जो थे वो हम पर से हट चुके हैं, तो अभी हम सेफली जा सकते हैं। भाई जो पीछे ट्रैम आई ना, मतलब उसने तो फंसा दिया कि भाई, वो भी कह रही यहाँ से निकलो अब, तुम तुम्हारा हो गया भाई। चलो भाई जो भी कहो, काफ़ी ख़तरनाक मिशन था। दो तीन बारी फेल हुआ है, फिर जाकर हम इस मिशन में पास हुए हैं। मतलब एक बारी फ्रैंकली मर गया, एक बारी लामार मर गया, फिर एक बारी स्ट्रेच मर गया गाड़ी से गिर के। भाई पुलिस वाले ने उसे ठोका बड़ा ज़बरदस्त था। तो चलो गाइज यार, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट जाकर वीडियो को लाइक कर देना। और मैं सोच रहा था कि यार माइकल के लिए मुझे एक उसकी पर्सनल कार खरीद लेनी चाहिए, तो मुझे कौन सी कार खरीदूँ मेरे को कमेंट में बताओ। मैं सोच रहा हूँ लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर ले लेता, क्योंकि उसकी लुक बहुत ज़्यादा तगड़ी है। तो मुझे कमेंट में बताओ, या फिर एक बाइक लू, क्या लू, मेरे को अभी कुछ कन्फ्यूज है ना। तो आप लोग कमेंट में बताओ, उस हिसाब से परचेज करेंगे। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो कर ही दोगे मुझे पता है, और सब्सक्राइब कर देना चैनल पर न्यू हो तो। चलो गाइज गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।